तोड़ फोड़ की, फ्रिज गिराया, फ्रिज पे हमारी कुरान शरीफ की पेटी रखी हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने वो गिराई, हमने कहा भैया ये कुरान शरीफ की पेटी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने और पेड़ से लात मार दी उसमें, हमने आप ऐसा मत करो कि आपको तो हम पाकिस्तान भी जाकर रहेंगे यहाँ से, आपको यहाँ से हटाना है हमें, ये बोले शब्द उन्होंने हमसे, और बदतमीजी थी, गंदी निगाह से हमें देखा, बच्चों को मार रहे थे, बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर उन्हें बिल्कुल भी बच्चों पे वो नहीं था, बच्चों को भी इस तरीके से हटा हटा के फेंक रहे थे। क्यों मतलब भाई को जो निशाना बना रही है? इसलिए बना रही है क्योंकि जो हमारा ये घर है वो बहुत ही फेमस है करौली के अंदर, ये सबकी ताकत है एक तरह से, सारे मुसलमानों की सबकी ताकत है, इसलिए इस घर को टारगेट बनाया गया हुआ है। और कुछ दिनों पहले ये एक साल पहले पार्षद बने हुए थे, जब कांग्रेस से मिल चुके थे, निर्दलीय खड़े हुए थे, तो फिर तब से इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा वो परेशानी थी, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता था, तो अब ये हुआ तो इसके ऊपर इनका पूरा टारगेट इनके ऊपर ही ले लिया था, वरना इनने ऐसा कुछ नहीं करा। आपने वीडियो देखी होंगी, वीडियो में इनके हाथ में ना तो कोई लकड़ी है ना कोई पत्थर है, बल्कि ये और बीच बचाव करा रहे हैं सबका। आपकी फैमिली में पहले भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में रहा है, पॉलिटिक्स में रहा है? हमारे चचा एक बार पार्षद में थे और अब्बू तो नहीं थे, खाली वो बीजेपी से थोड़े संबंधित थे, जुड़े हुए थे। दूसरा ये पुलिस एलिगेशन लगा रही है पत्थर जो है मतलब के घर से, नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल आप वीडियो देखना, आप वीडियो में एक पत्थर हमारे घर से नहीं गिरेगा, एक पत्थर नहीं आया, पर वो झूठ बोल रही है, पता नहीं क्यों सारा टारगेट हमारे घर को बना लिया है। आप वीडियो देखना, वीडियो में एक भी पत्थर नहीं आया हमारे घर से। और एक इल्जाम ये भी है कि बहुत सारे लोग आपके घर पे थे? नहीं नहीं, वो निकले हैं फिर बाद में वहां, नहीं से? वो वहाँ से नहीं थे, वो दूसरा रास्ता था, और वो पूरा सब चीज़ छोड़ के वो हमारे घर पर आ गए कि ये ताकत तोड़नी है, ये घर टूटा तो पूरा मुसलमान सब टूट जाएंगे, सब इससे जुड़े हुए हैं। तो जिस दिन फसाद हुआ ये, उस दिन मतलब भाई निकल गए यहाँ से, हाँ वो दिन का नाम है, फिर उसके बाद सुना पुलिस ने आपको परेशान किया, क्या क्या? बहुत परेशान किया था हमें एकदम घर में, सबसे पहले दिन तो सबसे पहले आके तोड़ फोड़ की पुलिस ने पूरा, पुलिस ही आई थी उनके साथ, कुछ लोग भी थे? नहीं पुलिस ही थी। अच्छा। और कोबरा पुलिस थी। ये शादी वर्दी में भी लोग थे क्या? सादा में भी थे। अच्छा। एक दो सादा में भी थे। आप यकीन से कह सकते हैं वो सादा वाले भी पुलिस वाले ही थे? अब इतने यकीन से तो नहीं कह सकते हम। तो उन्होंने तोड़ फोड़ की, फ्रिज गिराया, फ्रिज पे हमारी कुरान शरीफ की पेटी रखी हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने वो गिराई, हमने कहा भैया ये कुरान शरीफ की पेटी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने और पेड़ से लात मार दी उसमें, हमने आप ऐसा मत करो कि आपको तो हम पाकिस्तान भी जाकर रहेंगे यहाँ से, आपको यहाँ से हटाना है हमें, ये बोले शब्द उन्होंने हमसे, और बदतमीजी थी, गंदी निगाह से हमें देखा, बच्चों को मार रहे थे, बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर उन्हें बिल्कुल भी बच्चों पे वो नहीं था, बच्चों को भी इस तरीके से हटा हटा के फेंक रहे थे। आप पे भी हमला किया था पुलिस ने? जब मुझे ले जाया गया था जुमे के दिन, तारीख शायद मुझे याद नहीं है, उस दिन ये रुपट्टा होता है ना, इसको यूँ फंदा लगा दिया था, मैं रोजे से थी, ये दोनों रुपट्टे से मुझे फंदे से तो लेडीज़ पुलिस ने पकड़ा, और जेंट्स पुलिस ने मेरी नाक पे मारा था, तो मेरे पूरे मुंह पर यहाँ पर पूरे हाथों में खून ही खून हो गया था, ले जाकर वो ज़बरदस्ती इसी तरीके से मुझे ले गए थे, मेरा पूरा गला भिज गया था, अगर 5 मिनट और रहती तो शायद मैं दम ही निकल जाता मेरा। आपको घर से ले गए? हाँ घर से ले गए थे, लांगरा, और घर में मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है, उसके भी मार कर गए थे जेंट्स पुलिस, मेरी सिस्टर है, हाँ नहीं जुमे के दिन तारीख का, अच्छा जिस दिन, हाँ हाँ प्रेग्नेंट है, उसके भी मार गया, उसकी भी बहुत परेशानी हो गई थी, उसके दर्द हो गया था, ब्लीडिंग होने आ गई थी, और बच्चों मेरा लड़का है 10 साल का, उसे उठा के फेंक दिया था, और हम तो पढ़ रहे थे ना, तो हम ठीक है मुंह बंद करो आपके मुंह सी दिए जाएंगे, और ये देखो ये पूरा सूजन आ रही है मेरे, ये गर्दन ही गर्दन पे पटक देंगे, तुम नहीं पटक चलो, पुलिस वाले बोल, हाँ पुलिस ये गर्दन ही गर्दन पे मारा है मेरे, यहाँ सूजन आ रही है, पुलिस वालों को आपके सामने लाया जाए तो शक्ल देख के पहचान, हाँ हम पहचान सकते हैं, हाँ पहचान सकते हैं, नाम हैंगे हमारे, पुलिस वालों को आपने देखा है यहाँ? नहीं देखा हमने, बाहर के थे, नाम है हमारे पास उनके, फोटो भी है एक का, हाँ एक का फोटो है। दूसरा ये आपको कौन से थाने ले गए थे? लांगरा में, लांगरा, हाँ ये थाने में कितने बजे एंटर किया था आपको? अभी तो घड़ी नहीं थी हमारे पास, अंदाजा मतलब साढ़े तीन, हाँ तीन साढ़े तीन का टाइम था, हम रोजे से थे, रोजे से थे, हाँ
फिर कितनी बजे तक थाने रखा आपको? थाने तो वो हमें बहुत टाइम तक रखते यार, क्योंकि जाते ही उन्होंने कहा कि पटे खा, इनकी पटेन से मारो इनको, इन्हें मारना है, जब ये बताएंगी तभी बोलेंगी है ना। मैंने कहा हमें कुछ नहीं पता ये कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर उन्होंने ये पूछा आपके, फिर किसी का प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, जयपुर से मीटिंग हो रही थी, वहाँ एकदम पता चला कि लेडीज़ को उठा के ले गए। तब उन्होंने जो मेरा हाथ खून में भरे हुए थे, मेरा मुंह खून में लगा था, उन्होंने जल्द से जल्द वो धुलवाया और यूँ कह रहे थे जल्दी जल्दी साफ करो, रिगड़ो, इसे कोई देख ना ले। थाने वाले उन सब पुलिस वालों, फिर उन्होंने हमारी पूरी जानकारी ली, पूरा घर का नाम पता सब लिया, हाँ सब लिए थे। कितनी बजे आपको छोड़ा? वो कहते हैं पौने सात हो गए थे, मतलब घर पे आते ही रोजा खुल गया था, घर आते ही रोजा खुल गया था। आपको अकेले को लेके गए थे? नहीं, एक इनको ले गए थे। अच्छा, आप मंसूर के लिए उनकी बहन है? नहीं नहीं, मंसूर छोटा हुआ है ना, मतलब से छोटे उनकी वाइफ है। ओके, फिर वहाँ पर थाने में भी आपसे मारपीट हुई क्या दोनों से? थाने में थोड़ी बहुत ही हुई थी, पर ज्यादातर उन्होंने गाड़ी में ही टॉर्चर किया था, बदतमीजी ज्यादातर। फिर था जेंट्स पुलिस वाले ने सिर्फ आपको एक बार यहाँ नाक में मारा था। मेरी बड़ी बड़ी बहन है, उनके भी वो बोल रही थी ना इनको मत ले जाओ, तो उनको पीछे बंदूक से तो मैं मारू, उनके मारा था यहाँ पर, उनकी गिठान बन चुकी है जो मुझसे बड़ी है। हाँ, मेरी और ये लेडीज पुलिस ने भी मारा था, लेडीज पुलिस ने भी गाड़ी में भी मारा था। मेरे ये सूजन आ रही है ये पूरे हिस्से में, यहाँ ताल में काट के पटक देंगे, और अंशू और मतलू को तो दिखते ही गोली मारेंगे। हमने कहा उनकी उन्होंने कह रहा क्या है आपके पास सबूत है? तो सबूत तो क्या, हम तो उन्हें गोली मारेंगे, डायरेक्ट बोल रहे हैं उन्हें गोली मारेंगे, और उनके पास उन्होंने कुछ ऐसा करा ही नहीं है, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, उन्हें तो बिगर वजह सताया जा रहा है। अभी ये जो हुआ आपके साथ में, मतलब भाई का नहीं कह रहा हूँ तो चलो जो भी उनका होगा, ये आपके साथ हुआ, इसके लिए अगर सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कि हम बेगुनाह हैं, उन्हें बेगुनाह साबित करें, उन्होंने कुछ नहीं करा। आपके साथ जो मारपीट हुई आपको लेकर के? नहीं, हमारे साथ जो हुई है वो गलत हुआ है, हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। आपकी क्या मांग है, मतलब कार्रवाई, उनको सजा दी जाए जिसने हमारे साथ गलत करा है। और मतलू भाई का जो मामला है उसका आपने बताया, वो तो पॉलिटिकली कुछ इस वजह से उनको टारगेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये मतलब उस राजनीति में ले गए, ये यहाँ पर क्या है थोड़ा समझाइए, ये मतलब जो इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट दिया तब बोर्ड बना यहाँ पर, या नहीं नहीं पहले कांग्रेस के थे, पार्षद कांग्रेस के थे जी। अच्छा, मतलब लेकिन वो निर्दलीय लड़े थे? निर्दलीय खड़े हुए शुरू में, खड़े तो निर्दलीय हुए थे, फिर कांग्रेस को बाद में कांग्रेस को। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आप ये मतलब बोर्ड जो बना उसके अंदर ही मतलू भाई ने वोट दिया तब जाकर के कांग्रेस का कांग्रेस बना, अगर मतलू भाई वोट नहीं देते तो कांग्रेस का बोर्ड नहीं बनता। यही है ना, यही इम्पोर्टेंट चीज, इन्हीं के वोट के ऊपर वोट इधर इधर होगा। जी जी जी, इस झगड़े को वो पूरा राजनीति में ले रहा है, बीजेपी वालों ने किया जरूर कुछ इनके उधर इधर की को ले चलो कांचला कांचला बाकी क्या नहीं है, इनके उधर ना, इनके उधर इधर को निकल जाएगा। नहीं नहीं आइए चलो, नहीं तो मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेमत खाना प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका मकसद मुस्लिम ख्वातीन को एम्पावर करना है, रोज़गार देना है, उसके अलावा जो मोहताज है, ज़रूरतमंद है, उन्हें इफ्तार कराना मकसद है। तो नेमत खाना प्रोजेक्ट को मिलर टाइम्स का सपोर्ट हासिल है, रोज़ाना 100 पैकेट तकसीम करने का मंसूबा बनाया गया है, एक पैकेट की कीमत 95 रुपये आती है। पहले दिन 100 पैकेट आज हम लोग तकसीम कर रहे हैं और स्टार्ट आगाज़ हम लोग कर रहे हैं। रोहिंग्या कैब से हम लोग आए हैं इफ्तार देने के लिए 100 पैकेट लेकर के, एक इफ्तार का पैकेट है, उसके अलावा एक पुलाव है और एक बोतल पानी भी शामिल है। तो हम सब लोगों को दे रहे हैं कि करके सब लोग आइए इधर आ जाइए, पहले आप से आगाज़ कर रहे हैं इफ्तार का सामान बाबू स्टार्ट हो जाए। और मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।